राम राम जी। नया दिन, नया व्लॉग, नए व्लॉग के साथ नए दिन की शुरुआत। तो भाई बैग पैक ये रखा है, और अब बैग पैक है तो आप समझ गए होगे, चलते हैं। अब कौन सी कंट्री चल रहे हैं, अब यहाँ से तो चल ही रहे हैं, यहाँ से चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कहाँ चल रहे हैं। अभी तो ये व्लॉग है कि अब यहाँ से हम एयरपोर्ट चलेंगे और एयरपोर्ट से फिर एमिरेट्स की बिजनेस क्लास। इस बार कैसा एक्सपीरियंस रहेगा वो दिखाऊंगा आपको, बने रहो साथ। और गाड़ी आ चुकी है मेरी लेने के लिए, मेरा बैग पैक है तो अब चलते हैं। गाड़ी आ चुकी है लेने के लिए और अभी अब चल रहे हैं एयरपोर्ट। और आज का क्या सीन है, अभी कहाँ जाने वाले हैं, तो अभी रख दिया भाई ने बैग और अभी सीधा एयरपोर्ट चलते हैं। हॉस्टल में छोड़ने भी 5 सीरीज ही आई थी और लेने भी 5 सीरीज, भी 5 सीरीज ही भेजते हैं ऑलमोस्ट। अभी मैं 3-4 बारी ट्राई कर चुका हूँ, 3-4 बार की 3-4 बारी लगातार 5 सीरीज। भाई सारी गाड़ी 5 सीरीज ही है क्या, क्योंकि कितनी बारी आ चुका हूँ मैं, जा चुका हूँ, 5 सीरीज ही आती है हर बार। ये पक्का या नहीं, ये स्टैंडर्ड है। अच्छा, यानी ये वो सर्विस का रख देते हैं ना, अगर आप फर्स्ट क्लास में जाएं तो फिर 750। नहीं फर्स्ट में भी गया हूँ, मतलब फर्स्ट में भी ट्रेवल किया हमने, हाँ शायद उस दिन 7 ही दी थी, 7 दी थी। बिजनेस में 520। बट यहाँ वहाँ से नहीं देते, किधर से, दिल्ली से नहीं देते, दिल्ली से पहले तो शुरू की थी, अब पता नहीं, अब तो बंद कर दी काफी दिनों से, कोई इश्यू आया होगा। फिर उधर यही है भाई, जो अगर इश्यू आ रहा है ना, हाँ, फिर लोग थर्ड पार्टी देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जब फर्स्ट में ट्रैवल किया था तो एक बार मिली थी मुझे, अब बिजनेस में तो नहीं देते दिल्ली से, यहाँ से तो हमेशा ही मिल जाती है, यहाँ से तो नहीं देते हैं, उधर से उधर का क्या सीन है, क्योंकि टोटल दुबई है ही कितना बड़ा, सारा ये घंटे का तो है। हाँ ये दुबई तकरीबन 1 घंटे का, जिधर भी जो 1 घंटे ही। हाँ एयरपोर्ट से कहीं भी निकलोगे आप, 1 घंटे का ही है टोटल। हाँ जी, 1 घंटे से ज़्यादा है ही नहीं। तो भाई आ चुके हैं एयरपोर्ट पे और ये है इनका बिजनेस क्लास का काउंटर, ये देखो बिजनेस क्लास का काउंटर बिल्कुल अलग है और उधर फर्स्ट क्लास का काउंटर है। ये एमिरेट्स का है पूरा का पूरा, यहाँ से वहाँ तक पूरा एमिरेट्स का है, यहाँ कोई और एयरलाइंस नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एमिरेट्स होती है। तो ये है भाई एमिरेट्स का टोटल। अलार्म क्या बज रहा है, अच्छा वो अलार्म चेक कर रहा है समथिंग कुछ। तो भाई अभी अभी मुझे मेरे टिकट वाले ने बोला है, हमारा ट्रैवल एजेंट मेरा दीपक भैया, कि आप वेट करो, वैसे तो मुझे बोर्डिंग पास इन्होंने दे दिया है पर वो कुछ समथिंग चेंज कर रहा है, पता नहीं क्या चेंज करने वाला है, कह रहा है 1 घंटे 1.5 घंटे आप वेट कर लो। तो मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, अभी अंदर लॉन्च में भी नहीं जा सकता, बस अभी यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, क्या करूँ मजबूरी होगी तो इसलिए वेट कर रहा हूँ भाई, 1.5 घंटे यहीं पे वेट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद अंदर लॉन्च में चलेंगे और जाके लॉन्च में। फाइनली बोर्डिंग पास मिल गया और काफ़ी देर इंतजार करने के बाद 15-20 मिनट नहीं बोले तो 48 मिनट 48 मिनट्स लग गए, 48 मिनट बोर्डिंग पास मिलने में। तो ठीक रहा भाई, इतने मैंने फ़ोन भी चार्जिंग पे लगा लिया था और चार्ज हो गया है। तो अभी चल रहे हैं लाउंज में, क्योंकि इनकी लाउंज भी बहुत बेहतरीन होती है, आपको पता ही है। अभी जाके देखते हैं इनकी लाउंज कैसी है, मैं बहुत बार लाउंज में देख चुका हूँ इनकी। बट नाउ गो, चलें। पूरा का पूरा टर्मिनल खाली होता है, 1 सेकेंड ही लगा क्योंकि आइस से ऑलरेडी चेकिंग कर लिया था वहाँ जाके। अभी फिर नीचे से टर्मिनल से ऊपर थर्ड फ्लोर पे आ गए, यहाँ पे इनकी को लॉन्च वॉन्च है और यहीं पे इनके गेट्स, इनके क्या रेस्टोरेंट हीरा भाई, और अपने को जाना है बिजनेस क्लास लॉन्च। तो भाई चलते हैं अभी बिजनेस क्लास लॉन्च में, इनके रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ और खैर एयरपोर्ट तो इन्होंने ज़बरदस्ती बना रखा है, बात ही मत करो, अच्छा बना रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा तो क्या कहूँ पर हाँ अच्छा अच्छा बना रखा है। तो अभी अपने को जाना है बिजनेस क्लास लॉन्च,
अब बिजनेस क्लास लॉन्ज कहाँ है पता नहीं, आगे है वो सीधा दिखा रहा है सामने, तो अपने को जाना भाई अभी वहाँ। ड्यूटी फ्री से कुछ लेना तो है ही नहीं क्योंकि अब फिर दूसरी कंट्री में फ्लाइट है। और बैगेज एक ये देख लो छोटा सा बैग है, अब यहाँ इसमें क्या क्या रख के घूमूं, तो इसलिए वैसे भी शॉपिंग करनी मैं बंद कर चुका हूँ। अब पहले जैसे मैं शॉपिंग करता था बाहर से, अब वो शॉपिंग करनी मैं बंद कर चुका हूँ। काहे? क्योंकि एक तो बैग नहीं और एक जो चीज़ें चाहिए दुनिया में वो ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। तो वॉचेस बहुत अच्छी अच्छी हैं भाई, शानदार वॉचेस हैं। 500 दरम से कम कोई वॉच ही ना है भाई, देख रहे हो आप, 500 दरम की वॉचेस हैं, पर शानदार अच्छी वॉचेस हैं। अपने को नहीं लेना भाई कुछ भी, क्योंकि जैसे ही ब्रांडेड शोरूम दिखे ना मेरा दिमाग सट हो जावे। 30% ऑफ, बस आजकल एक दिमाग में एक ही चीज़ घूम रही है भाई, रोलेक्स घूम रही है और कुछ घूमता ही नहीं दिमाग में। रोलेक्स के अलावा कुछ समझ में नहीं आता, वर्सेज़ नहीं आता समझ में, रोलेक्स के अलावा कोई वॉच समझ में आती नहीं मेरी भाई। वॉचेस तो बहुत हैं, दुनिया भर की वॉचेस हैं इनके पास, पर मुझे लेनी रोलेक्स है। और रोलेक्स के लिए अभी सफिशेंट बजट नहीं है। एलवी आ गया, एलवी आ गया, एलवी आ गया भाई। फेवरेट ब्रांड एलवी। तो फर्स्ट क्लास एंड बिजनेस क्लास लॉन्च अपस्टेयर, चलो जी चलते हैं लॉन्च में। स्काई कार्ड के लिए इन्होंने कुछ कर रखा है शायद, यहाँ अगर कोई मेंबर बनना चाहे तो यहाँ मेंबर बन सकता है स्काई कार्ड का, क्योंकि स्काई कार्ड मेंबर को शायद लॉन्च वॉन्च समथिंग पता नहीं क्या क्या चीज़ें फ्री होती होंगी। ये हैं फ्री नाइट, ये क्या, अच्छा ये जो कार्ड दे रहे हैं जैसे अपने यहाँ मिलते हैं समझ गए ना कार्ड। बिजनेस क्लास लाउंज इधर, चलो जी बिजनेस क्लास लाउंज आ गई है एमिरेट्स की। इनकी लाउंज मुझे ज़्यादा अच्छी लगी नहीं, पहले भी मैंने इनकी लाउंज यूज़ करी है अकॉर्डिंगली भाई। अब जो इंडिया में लाउंज बनी है ना, अगर वो लाउंज आप देख लो तो मुझे लग रहा है आप पागल ही हो जाओ भाई, वो तो लाउंज इस तरह की है। इन्होंने गेट ही लगाया हुआ है प्रॉपर। आई एम गुड। थैंक यू। तो इन्होंने भाई वो बना रखा है सिस्टम के, अपना खुद सेल्फ चेकिंग करके घुस सकते हो, पर अभी देखते हैं क्या है सिस्टम में, क्या है इनकी लॉन्च में, क्या वैसे बना रखे। कुछ खाने को भी है, ये बना तो ऐसे गोल गोल रखे, बहुत बड़ी 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 चीज़ बना रखी है देखिए। पर भी खाने को सौदा देखें कौन है, खाने को सौदा है इनके में, मतलब तो बैठने का, खाने का इस तरफ होना चाहिए, मैं भी इस तरफ। हाँ बट ये इनकी लॉन्च में शावर वावर सब कुछ लगा रखे इन्हें, बना तो बहुत बड़ी रखी इन्हें भी भाई लॉन्च, बहुत बड़ी लॉन्च बना रखी इन्हें भी। उधर भी है खाना, शायद इधर प्राइवेट वो बना रखे हैं रूम्स प्रॉपर बैठने के लिए, और सोने के लिए रूम बना रखे हैं किसी को सोना है तो। ये शावर है, बढ़िया लॉन्च बना दी इन्हें पहले जब मैं आया जब तो नहीं इतनी जबरदस्त लॉन्च। अब इन्हें चेंज वेंज कर दिया लॉन्च में, काफ़ी कुछ चेंज करा शायद लॉन्च में। अच्छा स्लीपिंग बेड ही लगा रखे भाई,
सोना हो तो यहाँ आके सो सकते हैं, पर अभी कुछ खा लेते हैं, मुझे लग रही है भूख बहुत तेज, फिर आके मैं सो जाऊँगा क्योंकि मेरी फ़्लाइट है बहुत लेट, कोई जल्दी नहीं है भाई मेरी फ़्लाइट में, बहुत ज़्यादा लेट है। तो अभी देखते हैं उनके पास खाने के लिए क्या क्या है, और इसके बाद फिर लस्सी कि क्या कर सकते हैं, अभी पहले कुछ खा लेते हैं भाई। देखो आइसक्रीम की रेडी भी लगा रखी है, अगर आइसक्रीम खानी हो तो प्रॉपर, पर खाने में ऑप्शन नहीं है भाई कोई भी वेजिटेरियन का, तो मतलब एक पास्ता मिला मुझे अभी इस तरफ, और देखता हूँ उस तरफ तो एक पास्ता था इस तरफ। हाँ ये स्वीट वीट लगा रखी है ना, दुनिया भर की चीज़ें लगा रखी हैं, फ्रूट स्वीट ये सब चीज़ें लगा रखी हैं, मोस्टली मीठे मीठे लगा रखा है। अभी देखता हूँ कुछ मिल जाए तो वेज खाने के लिए। मैं लॉन्ज में घूम रहा था, एक मुझे मेरा पाकिस्तानी दोस्त मिला, और ये बहुत बड़ा फ़ैन है सिद्धू मूसे वाले का, क्या नाम है आपका? अजान। अजान बहुत बड़ा फ़ैन है सिद्धू मूसे वाले का, है अजान सिद्धू मूसे वाले के फ़ैन हो आप? आप क्या करते हो, कौन सी क्लास में हो? सिक्स क्लास में है भाई, और अभी ट्रैवल करके आया दुबई घूम के आया मस्त एकदम, अभी मिला मुझे तो मैं सोचा आपको दिखा दूँ। आज जो बेनिफिट हुआ वो सबसे लास्ट वाली सीट मिली, बिल्कुल बाहर के साथ वाली, पीछे बाहर है ही, और ये बिल्कुल लास्ट वाली सीट आज मुझे दी इन्होंने, ये मुझे बेनिफिट हो गया, और बिल्कुल साथ में अपना बार है ये रहा मस्त। तो बस भाई ये वाली सीट है और बिल्कुल बार के साथ लगी हुई है, तो अच्छे से वीडियोस बन जाएंगी आज, देख तो भाई बार ओपन कर दिया, अभी विस्कीज रखने वाले हैं यहाँ पे, और मैं लेटे लेटे परेशान हो गया था, मैं उठ के आ गया, और विस्कीज की अभी इन्हें ये सब चीज़ें रख दी हैं, चॉकलेट्स फ्रूट्स और ये सब चीज़ें रख दी हैं, तो बस स्टिल आई एम वेटिंग। Yeah, I just waiting for you. After you go inside, and we can feel you. I'm a YouTuber, you know. Yeah. I'm a big YouTuber, so I just make a videos. Yeah, that's why after you finish setting it up, you go inside, and I interview you. I feel you, okay? Thank you. So, bhai, ऐसा है कुछ बार दिखा देता हूँ आपको। ये Emirates का बार है, अब जो ready हो चुका है, बस अब थोड़ी देर में ये drink वगैरह serve क्या है कि आप जो मन करे, जैसे होता है ना बार में वैसा सिस्टम है भाई, अपना आराम से यहाँ ड्रिंक बना के ले सकते हो आप, जिसको ड्रिंक लेनी हो, पर भाई अपने को तो ड्रिंक पीनी नहीं है, तो अपने को थोड़ा ड्रिंक से मतलब नहीं है, मैं तो फिर आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि भाई यहाँ एमिरेट्स का ये बार है और इस तरह का इनका सिस्टम होता है, देख लो आप किस तरह का सिस्टम होता है इनका। भाई अभी इनका बार ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ये देखो बार भी मस्त बनाते हैं, देखो सारी चीज़ सब विस्की किसी को नॉर्मल ड्रिंक पीनी हो सॉफ्ट ड्रिंक पीनी हो तो ऐसा नहीं है, चीज़ बनाते हैं। एमिरेट्स का क्लास अलग है भाई, मुझे लगता है कि एमिरेट्स अलग ही क्लास की एयरलाइंस है, और अभी ये सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में भी ट्रैवल करा जाए तो एमिरेट्स के अलावा किसी और फ्लाइट में ना ही ट्रैवल करा जाए, बस ट्राई है कि एमिरेट्स में ट्रैवल करता रहूँ, बट ठीक है इनकी अपनी क्लास है, अलग ही क्लास है। तो अभी भाई बार पूरा रेडी हो चुका है, और मैंने अभी यहाँ अपनी इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाई है इन्हीं के क्रू के साथ, उसको डालूंगा जल्दी इंस्टाग्राम पे, फिर देखना आप, काफ़ी अच्छी वीडियो बनी है, कोशिश रहती है कि अच्छी वीडियो बनाएं। तो बस ये था इनका लॉन्च बार फ्लाइट में। भाई अभी मैं मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त बन गए, अभी हम दोनों बार में बैठे हुए थे, वहाँ भाई ने मेरी वीडियो बनाई, बहुत हेल्प की मेरी, तो अभी हम आके सीट मेरी और भाई की सीट बिल्कुल साथ साथ है। अभी मैं भाई से डिस्कस कर रहा था तो भाई ने मुझे बताया कि उनका एक ट्रेडिशनल फ्रूट है वो मुझे खिलाने वाले हैं। We can't seed it, and it will become a tree, and it's very nice. It's have so two types, one sour and one sweet, and you can try everything. Thank you. Okay. तो भाई ने अभी ये फ्रूट दिया है और मुझे बताया इसके बारे में, तभी खा के इसको बताऊंगा कैसा है कैसा नहीं है। So, where you live, brother? I live in Ras Al Khaimah, Al Rams. So Al Rams people, our in Al Rams,
everybody like to eat that. And we made from it ice creams and like sweets and everything we made from it. Okay. From that, oh, so maybe this is a very nice fruit. Yes, of course. तो भाई ने फ्रूट दिया है. भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत ही कूल है, सुपर कूल इंसान है. तो अब ये फ्रूट खाता हूँ और फिर आपको बताऊंगा कैसा ये फ्रूट.